हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर भावना। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। और जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि अगेन मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं ये मतलब अगर किसी चीज़ में खामी होती है तो उस चीज़ के फ़ायदे भी बहुत सारे होते हैं। तो आज मैं अगेन आपको चावल के कुछ फ़ायदे बताने वाली हूँ। अभी तक बात कर रहे थे हम लोग कच्चे चावल की, और वीडियो को बनाने के बाद ये बात तो मुझे बहुत अच्छे से पता लग गई कि मैं ही नहीं, कच्चे चावल की बहुत सारे लोग पागल हैं और कच्चे चावल को बहुत सारे लोग खाते हैं। और मैं अपनी बैक वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्लीज़ आप लोग कच्चे चावल को खाना धीरे धीरे छोड़ दें, ये आप लोगों की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और आज मैं फिर से वीडियो लेकर आई हूँ, चावल के कुछ फ़ायदे बताने वाली हूँ आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर, और आप सच में चौंक जाएंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर किस चीज़ में खामी होती है तो उसमें फ़ायदे भी बहुत सारे होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं चावल। जैसा कि मैं आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट ये बता दूँ कि जो चावल होते हैं वो बहुत ही जल्दी से पच जाते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें रोटी से तो चावल रोटी के मुकाबले जल्दी पच जाते हैं, जिसके कारण अगर किसी को अपचित की समस्या है जिसका खाना जल्दी नहीं पचता, तो उसके लिए उस टाइम में चावल बहुत ही अच्छे हैं। जो सेकंड पॉइंट है कि अगर किसी को लूज मोशन की प्रॉब्लम है तो उसमें भी चावल हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि चावल जल्दी से पच जाते हैं। इसके कारण आपने कभी अपने बड़े लोगों से सुना भी होगा कि जब हमें लूज मोशन लगे होते हैं तो उसमें हम लोग नमकीन पुलाव या राइस बनाकर दही के साथ खाते हैं, और वो हमारे पेट के दर्द में भी आराम दिलाता है। हाँ, और इसका थर्ड पॉइंट यही है कि अगर हम अपने पेट के दर्द में लूज मोशन के टाइम में अगर हम राइस खाते हैं तो हमारे पेट के दर्द में भी रोटी के मुकाबले अगर हम चावल खाते हैं, अगर रोटी खाते हैं तो हमारे पेट में दर्द ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर हम चावल खाते हैं क्योंकि चावल रोटी से कम टाइम में पच जाते हैं, जिसके कारण ये बहुत ही अच्छा है। और जो उसी के साथ साथ फोर्थ पॉइंट है ये है कि अगर किसी को टॉयलेट की प्रॉब्लम है, टॉयलेट नहीं आ रहा है, तो वो चावल के मिले पानी में अगर उसमें आप सोडा और शक्कर मिलाकर पीते हैं तो ये आपके टॉयलेट की प्रॉब्लम को भी सॉल्ट आउट कर देता है। साथ ही साथ जो मैं इसका फोर्थ पॉइंट बताने वाली हूँ वो ये है कि इसके अंदर चावल के अंदर बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसके कारण हमें चावल खाने से बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा फुर्तीले दिखते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो हम डेली यूज़ में अगर अपने, मैं ये नहीं बोलती कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, लेकिन अगर आप, क्योंकि इसीलिए बोला जाता है कि अपने जो एक प्रॉपर डाइट होता है उसके अंदर चाहे आप इतने से चावल खाएं, लेकिन हमें अपनी प्रॉपर डाइट के अंदर चावल जरूर इंक्लूड करने चाहिए, क्योंकि ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं जो हमारी डेली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मैं इसका फिफ्थ पॉइंट बताने वाली वो ये कि इसके चावल के अंदर सोडियम की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है, इवन कहें तो बिल्कुल नहीं होती, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जो इसका सिक्स पॉइंट है वो ये है, और जो जैसे होल ग्रेन राइस होते हैं जिन्हें हम ब्राउन राइस भी बोलते हैं, उसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो कैंसर की रोकथाम के लिए भी उपयोग होता है। तो अगर आप ब्राउन राइस खाते हैं तो उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में फाइबर होता है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। ये कैंसर को रोकथाम भी करता है, और बहुत कैंसर की रोकथाम के लिए भी फाइबर का बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है। और जो इसका नेक्स्ट पॉइंट मैं आप सभी लोगों को बताने जा रही हूँ, आज मैं इसीलिए चावल के फ़ायदे लेकर आई थी क्योंकि मैं बैक वीडियो में कच्चे चावल के नुकसान के बारे में बता रही थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि चावल के कितने ज़्यादा फायदे हैं। इसीलिए चाहे आप अपनी जो आपकी मतलब जो हमारी प्रॉपर डेली डाइट होती है उसमें चाहे इतने से राइस इंक्लूड करें, लेकिन आप उसके अंदर राइस ज़रूर इंक्लूड करें। तो चलिए फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर।
चावल को ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो हमारी त्वचा संबंधी परेशानियां होती हैं, हमारे दाग धब्बे, इसके अंदर चावलों का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारी स्किन पर इसका बहुत अच्छा और बहुत ही जल्दी लाभ प्राप्त होता है। हमारी स्किन निखर जाती है और उससे इसका ग्लो नजर आता है। तो इसको बहुत से ब्यूटी, चावल में विभिन्न प्रकार के विटामिन्स, विटामिन डी, मिनरल्स, फाइबर्स भरपूर मात्रा में होते हैं, और जो हमारे बॉडी के लिए, शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूँगी कि आप चावल का इस्तेमाल करें, और मेरी वीडियो को, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि आने वाले टाइम में आप मेरी किस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं। और आज